जी माशाल्लाह, अब स्नेहास रात हमारी लाइव आने लगी है, तो सारे जो लोग हैं ना लाइव आ जाएं इंशाल्लाह। फीम साहब बहुत अपने खास खास जो है ना राज बताएंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, बताएं जरा थोड़ा सा इधर। जी जरूर जरूर जी, किसे नहीं ले सकता जिंदगी। हां बेशक बेशक, पक्की तो बात की बात है ना जी, कच्ची चीजों से काम लेना ये फन है। दूसरी बात ये है, बाबा जी कहते थे कि बेटा कभी नुस्खे के पीछे मत भागना। क्या बात, जिंदगी में किसी के पीछे नुस्खा लेने ना जाना, जुजों को समझना, बुनियाद को समझना, नुस्खे को तरतीब देने लग जाओगे। तो जिसने जुज समझे हैं, जिसने बुनियाद समझी है, जिसने नुस्खे की बंड समझी है, ये बंद हो। फिर बाबा जी ने एक और सबक दिया कि जितना कीमिया है ये सारा कार्बन के ऊपर टिका हुआ है। कुलिया ये है कि पक्की कार्बन को कच्ची कार्बन खोलती है, सारे लगे में जारी नहीं होता जी, गवाशी नहीं होता। सिर्फ दो ही बातें हैं, कच्ची कार्बन को पक्की कार्बन कायम कर देती है, पक्की कार्बन को कच्ची कार्बन खोल देती है। मिसाल के तौर पे हीरा है, उसकी कार्बन दुनिया की सबसे ज्यादा कायमनार कार्बन है, उसको कच्चा करना है, नरम करना है हमने, तो उसको कच्ची कार्बन लगाए वो जारी हो जाएगा। किन किन चीजों में कार्बन कच्ची है अब ये समझना है। कच्ची कार्बन क्या, गंधक कार्बन है, कच्ची है, उसको आग लगती है। उसको पक्की कार्बन दे वो कायम हो जाएगी, उसको आग लगना बंद हो जाएगी, वो कायम हो गई। अब देख रहे हैं कि पक्की कार्बन कौन सी है जो हमने उसको गंधक को दे। ये बुनियादी जुज है जी, जिसने ये जुज समझे उसने सारा स्नेहा समझ लिया। बाकी रहेगी बात जी अक्सीम की, तो नुस्खा शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जिस्त पारे का कुश्ता, जो कि कुठाली में भट्टी के ऊपर होगा और पारा बावजन रहेगा उस कुश्ते के अंदर। 5 तोला सिंबल फास सफेद ले लें, यही बाजार वाला, कोई कानी नहीं लेना, कानों में नहीं जाना। और 5 तोला निशादर ठीक नहीं ले लें। मेरे ये तमाम नुस्खा जात पंसार की दवाइयों से होते हैं, कोई केमिकल नहीं बताता मैं, कोई कानी चीजें नहीं बताता, कोई पहाड़ों की जड़ी बूटियां नहीं बताते। वो नुस्खा जो आसानी से हर बंदा बना सके। 5 तोला निशादर ठीकरी, 5 तोला सिंबल फार सफेद, दोनों को अलग अलग खरन करके गुबार की मानद कर लें, दोनों को यकजा कर लें। यकजा करके 3 उबली हुई अंडे की जर्दियां इसमें खरन कर लें, ये पेस्ट सा बन जाएगा। 5 तोला हड़ताल वर्किया की डली के ऊपर लेप करके इसका गोला बना, इस गोले के ऊपर 2-3 सिगरेट की पनिया जो डब्बी में से निकलती हैं वो लपेट दें और ऊपर थोड़ा सा धागा लपेट दें, और छोटी रोगनी गुज्जी के अंदर बंद के लिए हिकमत करके इसको 3 किलो ओपलों की आग दें भड़के की। 0.5 किलो ओपले नीचे डालें, 2.5 किलो ऊपर डालें, ठंडा होने पे इसको निकालें, ये जला हुआ मवाद निकलेगा गोला। पानी के साथ गुसल देंगे तो इसमें से सफेद रंग के मोती निकलेंगे, ये हड़ताल वर्किया का पारा निकलेगा जो कायमनार होगा और मोती की शक्ल में मिलेगा और बगैर फोटक के। ये पारा आपका हड़ताल का निकल आया और कायमनार है। ये अभी थाट नहीं बना, हमने इसको चरख नहीं दिया भट्टी में, ये यहाँ पे जारी है। पारा ही कायम करना था, हमने पारा कायम कर लिया।
12 ग्राम जिस्त लेके कुठाली में पिघला लें और 12 ग्राम ये पारे के मोती ऊपर डालेंगे तो ये छल बंद हो जाएगा जिस्त के साथ। अब ये 12 क्यामत तक जिस्त में से बाहर नहीं निकले, चाहे भट्टी में चरख दें जो मर्जी करें, और जैसे ही जिस्त के अंदर दाखिल होगा ये जिस्त को कायम कर देगा। ये जिस्त पारा आपका छलबंद गिरा बन गई, कायम हो गया। इसके अंदर आप लोहे की सलाख फेरते रहें और 60 ग्राम आंवला सर गंधक पीस के पास रखें, कच्ची गंधक की चुटकी चुटकी देते जाएं, सलाख फेरते जाएं। 60 ग्राम गंधक खत्म होगी तो जिस्त पारा बावजन आपका सुर्ख रंग का कुश्ता कुठाली में तैयार होगा। आग लगा के करना है जी, भट्टी के ऊपर कुठाली में। तो ये जिस्त पारा कुश्ता हो गया। बाबा जी कहते थे एक से दो रत्ती तांबे पे अमल है और सुई का नका खुराक है, तीन खुराकें काया गलब है। ताड़ियां भी इस वक्त यार। और साथ मेरी गुजारिश है कि जो दोस्त सुन रहे हैं इस महफिल में जाके बनाए तो तस्दीकी वीडियो जरूर दिया करें चैनल कि हमने ये काम किया जी, हो गया। ना हो तो फोन करके जब दिल करे आपका मुझसे समझ लिया। तो अभी मैं बाबा नहीं, मैं साहब को दरखास्त करूंगा एक इसका। हिकमत की दुनिया में इंकलाब, जिनको डॉक्टर हकीमों और दूसरे बच्चों ने मना किया हुआ है कोई भी दवाई खाने से, उनके लिए सिर्फ मुंह में रखने से इंतशार और टाइमिंग इतनी है कि आपकी सोच। ये गोल्डन गोली और सिल्वर गोली सिर्फ इसी मकसद के लिए है, अगर आप इसे दूध में डाल के, दूध में अबला देकर गोली निकाल लेंगे, दूध पियेंगे, पूरा दिन ना थकन का एहसास होगा ना कमज़ोरी होगी और इंतशार भी आपका इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। और अगर यही आप गोली अपने गले में डालेंगे तो ये आपको पूरा दिन थकावट का एहसास नहीं होने देंगे, और यही गोली ख़ास टाइम पे आप मुंह में रख लेंगे उस वक्त तक अखराज नहीं होगा जब तक ये गोली मुंह से नहीं निकालेंगे। ये शुगर वालों के लिए, दिल के मराज के लिए जिन्होंने बाईपास कराया उनके लिए, या कोई सीवियर मर्ज में मुबतला है और उनके अंदर ख्वाहिश है इस दवाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए, ये उनके लिए बेहतरीन चीज़ है कि ये खानी नहीं पड़ती, पूरी ज़िंदगी के लिए यही काफ़ी है। मुँह में रखें और ख़ास टाइम के लिए बाद में निकाल के फिर डिब्बी में रख लें, ये इंशाल्लाह आपकी पूरी ज़िंदगी काम आएगी। बहुत नहायत मुनासिब कीमत 50% डिस्काउंट पे हम दे रहे हैं। जिन्होंने मंगवानी हो ये मेरे फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0300-965-5265, और हमारा चैनल शफाल मखदूम ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अस्सलामुअलैकुम।